Good morning, students. We are going to start chapter first of civics. On every Monday, there will be civics class for you. So, first chapter is on equality. तो आपके first chapter में आपकी book में एक story दी गई है कांता की. कांता जो कि एक maid है, अपने किसी के घर में काम करती है. वो जो domestic chores हैं, उनको sort out करती है और उसके बदले में उसको कुछ salary मिलती है, जिससे वो अपना घर चलाती है. तो उसके थ्रू ये बताया गया है कि कहाँ पे इक्वेलिटी है, कहाँ पे इनइक्वेलिटी है. मींस हमारे यहाँ कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत इक्वेलिटी है, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इक्वेलिटी प्रोवाइड की है. लाइक राइट टू वोट. अगर हमारा राइट टू वोट क्या होता है कि एवरी अबव 18 ईयर्स पीपल जो भी हैं, उनको एक राइट दिया जाता है कि आप वोट कास्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हो, और उस वोट सिस्टम में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. मींस राइट टू वोट हर किसी को इक्वल ग्राउंड्स पे दिया गया है. कोई अमीर है, गरीब है, किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी रेस का है, मेल है, फीमेल है, सबको जो है राइट टू वोट दिया गया, और उसके वोट की वैल्यू भी सेम है. मींस इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. तो इक्वल राइट टू वोट दिया गया है ऑल एडल्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, देयर एजुकेशन, कास्ट, रिच और पुअर स्टेटस आर अलाउड टू वोट. और दिस आइडिया जो है, ये आइडिया जो है वो बेस्ड है इक्वेलिटी के ऊपर, और इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. तो कांता जो है अपने घर का काम करती है किसी के, और उसके बाद उस राइट वोटिंग डे था, तो उसने अपने एम्प्लॉयर को कहा कि मुझे आज वोट डालने जाना है. तो वहीं पे उसके एम्प्लॉयर का वोट था, दोनों ने सेम क्यू में खड़े होकर वोट कास्ट करा. तो कांता रियलाइज करती है कि हमारे यहाँ बहुत इक्वेलिटी है. मीन्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों सेम जगह पे जाके वोट डाल रहे हैं और उनके सेम क्यू में खड़े हैं और उनके वोट की सेम वैल्यू है. बट जैसे ही वोटिंग ओवर होती है तो उसने रियलाइज करा, अपने घर गई तो उसको पता चला कि उसकी बेटी जो गुड़िया है उसको फीवर है, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा. लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए पहले पैसे होने चाहिए जेब में, तो वो अपने एम्प्लॉयर के घर गई. वहां उसने काम किया उनके घर का और उसने कुछ पैसे एडवांस में मांगे जो उसके एम्प्लॉयर ने दे दिए उसको. लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा बार बार नहीं मांग सकते हो आप, तो एक बार हम आपको दे रहे हैं. तो अब उसके लिए प्रॉब्लम क्या थी कि एवरीडे उसको अपने बच्चे की केयर भी करनी थी, लेकिन पैसे नहीं है और छुट्टी भी नहीं कर सकती है वो. तो पहले वो वहां काम करने जाती, फिर हॉस्पिटल की लॉन्ग लॉन्ग क्यूज में खड़े होके अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराती. बट उसके एम्प्लॉयर के लिए ऐसा कुछ नहीं था. मीन्स उसके पास वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट कराता अपने बच्चों का, जब अपनी फैमिली का, और उसको एक लॉन्ग क्यू में खड़े नहीं होना पड़ता था. उसके पास पैसे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो यहाँ पे इनइक्वेलिटी उसको साफ नजर आ रही थी. मींस उसके लिए कुछ भी नहीं था, अपने बच्चे की अच्छी केयर नहीं कर पा रही थी वो. बट उस एक अमीर क्लास का जो लोग हैं उनके लिए सब कुछ था, मतलब उनको कोई भी ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी लाइफ की. सेकेंड इस चैप्टर में आता है, सेकेंड देर इज अ स्टोरी ऑफ अ दलित बॉय विच इज ओम प्रकाश वाल्मीकि, विच इज गिवन इन योर चैप्टर. ओम प्रकाश वाल्मीकि एक स्कूल में पढ़ने जाता है, क्योंकि वो एक दलित बॉय था तो उसका टीचर जो है उसको क्लास में बिठाने की बजाय उसको स्कूल की क्लीनिंग के काम में लगा देते हैं. तो वो कर भी रहा है, बहुत थक जाता है, लेकिन उसको काम करना ही है. बहुत बड़ा कैंपस है जिसको उसने क्लीन करना है, तो वो कई दिन इसी काम में लगा रहता है. तो उसके फादर ने देखा उसको कि मेरा बच्चा यहाँ सिर्फ क्लीनिंग कर रहा है, तो उन्होंने टीचर्स को बोला कि आप इसको भी पढ़ाइए. तो कहीं ना कहीं उसको लगा कि मतलब था ही उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट. तो हमारे यहाँ जो इनइक्वेलिटी है वो किस किस बेसिस पे हो सकती है, या तो कास्ट बेसिस पे या तो इनकम बेसिस पे. मींस नो डाउट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट टू इक्वेलिटी दिया हुआ है, हर कास्ट हर रिलीजन के पर्सन को इक्वल राइट्स दिए हुए हैं. बट फिर भी बिना कहे या इलीगली कास्ट सिस्टम अभी भी सरवाइव कर रहा है. मींस लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कास्ट के अकॉर्डिंग या फिर इनकम स्टेटस के अकॉर्डिंग. अगर कोई रिच पर्सन है उसको एक अलग नजरों से देखा जाता है, और अगर कोई पुअर है तो उसका एक अलग अहमियत रहती है हमारी सोसाइटी में. मीन्स लोग उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. तो दलित बॉय जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जूठन में लिखा हुआ है कि उनके साथ स्कूल में कैसा कैसा बिहेवियर होता था ड्यू टू हिज कास्ट ओनली. तो एक और स्टोरी है मिस्टर एंड मिसिज अंसारी की. तो उनको एक अपार्टमेंट चाहिए था, दो देवर रिच बट दे बिलोंग टू लो क्लास. तो रिच थे, उनको एक अपार्टमेंट चाहिए था रेंट पे,
बट लोगों ने उनको उनका नाम देख के, उनका टाइटल देख के, उनका सरनेम देख के उनको मना कर दिया अपने रेंटल अपार्टमेंट देने के लिए। तो प्रॉपर्टी डीलर ने उनको सजेस्ट करा कि आप अपना सरनेम चेंज करके कुछ और बता दीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे घर नहीं मिलेगा। बट उन्होंने ऐसा रिफ्यूज कर दिया कि हम अपना सरनेम चेंज नहीं करेंगे, हमें घर आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। तो कुछ टाइम बाद उनको घर भी मिल गया, बट उनको अपनी डिग्निटी ज्यादा प्यारी थी रादर देन सरनेम। तो उन्होंने अपनी डिग्निटी मेंटेन करी और अपना सरनेम चेंज, तो उन्होंने अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए अपना सरनेम, अपना टाइटल चेंज नहीं किया। डिग्निटी क्या है? डिग्निटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट। अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना ही जो है वो डिग्निटी है। तो इंडियन डेमोक्रेसी, कहने को हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है बट फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं जो चल रही हैं, जो सर्वाइव कर रही हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है लोगों की मेंटेलिटी चेंज करने में। नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू इक्वालिटी दे दिया, बट लोगों की सोच बदलने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो इक्वालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन बनाए गए हैं इक्वालिटी लेके आने के लिए? आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 में राइट टू इक्वालिटी है। उसमें क्या क्या मेंशन है? एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। लॉ के सामने चाहे कोई अमीर पर्सन है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का पर्सन है, चाहे कोई एक सिविलियन है, सबके लिए इक्वल होगा लॉ, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। सेकेंड, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। किसी भी आधार पे किसी के भी साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। पीपल कैन गो एनी वेयर विद इन द कंट्री और विजिट एनी पब्लिक प्लेस। लोग जो है देश के अंदर किसी भी जगह पे जा सकते हैं और किसी भी पब्लिक प्लेस पे वो विजिट कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेस पे नहीं, सिर्फ पब्लिक प्लेस पे वो कहीं भी विजिट कर सकते हैं, लाइक किसी भी प्लेग्राउंड में, पार्क में, किसी भी शॉपिंग मॉल्स में, कहीं पे भी लोग जो है वो विजिट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं इस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए। लाइक बच्चे जो थे वो स्कूल में नहीं आते थे जब स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन था। अब जैसे एक लेबरर का बच्चा है तो वो स्कूल में इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि उसको काम पे जाना है, अगर वो काम पे नहीं जाएगा तो उसकी फैमिली के पास इनफ फूड नहीं होगा खाने के लिए। तो सबसे पहले चाइल्ड लेबर लॉ लेके आए जिसमें 14 ईयर से बिलो कोई भी काम नहीं करेगा, जब उसके लिए राइट टू एजुकेशन दिया कि उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन लेनी ही है, और उसको भी और इन्हांस करने के लिए इस लॉ को मिड डे मील आया। मिड डे मील में क्या है कि स्कूल्स में ही बच्चों को फूड प्रोवाइड किया जाता है और वो जो फूड प्रोवाइड किया जाता है कहीं ना कहीं वो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कोई भी कास्ट के अकॉर्डिंग या इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग। जिसको जो भी स्कूल में आ रहा है उसको सेम टाइप का ही फूड जो है, सेम टाइप का ही मील जो है वो मिलेगा। तो सबसे पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया। तो उसके बाद गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन थी कि हर स्टेट जो है वो इस पॉलिसी को स्टार्ट कर सकती है, मिड डे मील, जो कि एक बहुत अच्छी पॉलिसी है बच्चों की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उनकी आप कह सकते हो कि अटेंडेंस जो है उनको इंक्रीज करने के लिए स्कूल्स के अंदर। तो अब ये नहीं है कि इनइक्वालिटी सिर्फ इंडिया में ही है, जा यहीं पे ही लॉ इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा, जा फिर लोगों की सोच नहीं बदल पा रही। इनइक्वालिटीज ओवरऑल बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज में भी है, जैसे अमेरिका में। तो अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, जो अफ्रीका से लोग शिफ्ट हुए थे अमेरिकन्स, ठीक है, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। तो वहां क्या है, जैसे एक स्टोरी है रोजा पार्क की, वहां पे एक रूल था कि अगर कोई बस में ट्रेवल कर रहा है और एक ब्लैक पर्सन बैठा हुआ है लेकिन एक व्हाइट ने आके अपनी सीट मांगी तो उस ब्लैक को खड़े होके उसको सीट देनी ही पड़ेगी। तो बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो गया ये तो, कि ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। तो एक रोजा पार्क नाम की लेडी थी जिसने रिफ्यूज करा कि मैं सीट नहीं खाली करूंगी आपके लिए। तो उसके बाद वो एक रिफ्यूजल जो था एक मूवमेंट बन गया अमेरिका के अंदर फॉर अफ्रीकन अमेरिकन पीपल। तो उस मूवमेंट को नाम दिया सिविल राइट मूवमेंट। उसके बाद कहीं ना कहीं ये पॉलिसीज चेंज की गई लोगों के लिए कि ऐसा कोई रूल नहीं होगा कि आपको सीट देनी ही है एक वाइट पर्सन को। तो उस एक लेडी का एक सिंगल रिफ्यूजल एक मूवमेंट लेके आया जिससे लॉ बन गया नया और पुराना लॉ जो है वो चेंज हो गया। तो
तो क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारी डेमोक्रेसी के आगे, कि बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो अपने रूल्स बनाती हैं, अपने लॉज बनाती हैं और वो इंपोज करवाने की कोशिश करती हैं। तो हमारी डेमोक्रेसी के आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम सब मिलके काम करें और लॉ को माने और अपनी थोड़ी सी सोच बदले। नो डाउट इस सोच को बदलने में बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन सोच तो बदलनी ही है और एक दिन बदलेगी ही, जिससे हमारे यहाँ सब जगह इक्वेलिटी आएगी। मींस लोगों के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन या फिर रेस या फिर मेल फीमेल प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो दिस इज ऑल, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी आपके, जो कि आपको सॉल्व करनी है, और आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द आंसर की ऑफ दैट असाइनमेंट। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।